Shatter like a metal cylinder, which can
will, if there is an incident, then it allows the gas to escape slowly and it does not shatter at all. The second biggest factor, it is one third the weight of a conventional steel cylinder. Therefore, you can, on a same platform, you can carry about 3 times more gas. Taking the example of a 20 feet truck, which currently carries a 4500 water liter steel cascade, we can provide a 9000 water liter steel cascade, which can carry 3 times more gas, which is roughly 1400 to 1500 kg of gas. And the life of this cylinder is about 20 years. It will be completely manufactured in-house in our plant in Butibori, and we have made complete arrangements to cater to all segments of the industry. Sir, what about you? It will be completely state-of-art. Our factory is just coming a completely state-of-art technology. So we're really proud of our team to be the part of this project, and we are sure that it will be successful, and in the future we will just make one more as the big market, and we will do our best to give a good product. The main market for these cylinders are CGD companies like Mahanagar Gas, Indraprastha Gas, and other CGD companies, Torrent and Adani. They were the future of our customers. And apart from that, जो OEMs है वो भी definitely, क्योंकि ये लाइट वेट सिलेंडर होने के कारण हर गाड़ी, हाई एंड हो, लो एंड हो, कोई भी गाड़ी हो, उसके लिए काफ़ी कामयाब रह सकते हैं. जो आज हमने यूरोपियन कंट्री में देखा है, अलग अलग कंट्रीज या साउथ ईस्ट कंट्री में भी, जो कोरिया है वहाँ पे भी अलग अलग कंट्रीज में ये काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ हो रहा है. उसी को देखते हुए हमने भारत में नया और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के विजन को, ग्रीन हाइड्रोजन जो आ रहा है फ्यूचर नियर फ्यूचर में, और बायो सीएनजी को पूरे हर गांव में फैलाने की जो गवर्नमेंट की भी इसे उसमें कुछ कड़ी जोड़ने के लिए एक कॉन्फिडेंस ग्रुप ने ये पहल की है. सर, काफ़ी सारे मार्केट में अलग अलग कंपनी है, इस कंपनी में खास तर सबसे भी लेकर जो आम लोग जो है आपसे जुड़ा हुआ है, जो आपके पास आएंगे, क्या स्पेशल आपके पास? जो टाइप 4 सिलेंडर है ये तो इंडिया का सबसे पहला सिलेंडर प्लांट रहेगा ऐसा, ये जो इंपोर्ट वाला मैं बात कर रहा हूँ. ऑलरेडी एक कंपनी है जो टाइप 4 बना रही है, बट वो इंडिजिनियस मशीनरी और इंडिजिनियस प्रोडक्ट के हिसाब से. ये जो है, जैसे हमने कहा कि ये हाई एंड सिलेंडर एकदम फुल सेफ्टी और टाइप 4 यानी पूरी कंपोजिट के साथ में, ये इंडिया का पहला यूनिट है. जो LPG मार्केट है हमारा कंपनी का, जो LPG सिलेंडर है, डेफिनेटली देर आर गुड बिग पीपल आर आल्सो देयर, बट एज आई टोल्ड दैट कॉन्फिडेंस इज द ओनली कंपनी हु इज हैविंग ए नेटवर्क ऑल ओवर द इंडिया. 2000 डीलर के साथ में जो आगे बढ़ रही है वो इंडिया में आज, और हर जगह पे उनके बॉटलिंग प्लांट है. ठीक है, मैंने जैसे कहा कि जब LPG व्यवसाय हम करते हैं तो LPG व्यवसाय में हमें हर जगह पे लॉजिस्टिक सपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है, और जब तक हम वहाँ बॉटलिंग प्लांट नहीं रखेंगे, हर 200 किलोमीटर पे बॉटलिंग प्लांट नहीं होगा, तब तक उसको थोड़ा सा सर्विस देना टाइम टू टाइम ये बड़ा मुश्किल होता है. तो कंपनी ने यही सोच के कारण हम लोगों ने पूरे इंडिया में 68 बॉटलिंग प्लांट ऑपरेशन. तो सर, कितना कॉस्ट इफेक्टिव है और लॉन्ग टर्म में कितना फायदा मिलने वाला है कस्टमर, क्योंकि ऑफकोर्स कुछ अच्छी चीज के लिए आप ये कर रहे हैं. कॉस्ट इफेक्टिव, थोड़ा सा कॉस्ट तो डेफिनेटली इसमें तो पहले इनिशियल कॉस्ट थोड़ी सी एक्स्ट्रा गिरती है क्योंकि कंपोजिट मटेरियल से बना हुआ है, बट एज जो है टोल्ड एज के फ्यूचर में जो है कि नहीं, इसमें द मेजर फैक्टर इज ओपेक्स, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है आपका वो कम हो जाएगा. मैं अगर हमारे कमर्शियल ऑपरेटर्स की तरफ देखता हूँ तो आपके जो मिनी ट्रक्स है CNG पे मैक्सिमम 250 किलोमीटर जा सकते हैं. यही अगर आप टाइप 4 का सिलेंडर यूज कर सकते हैं, आप एक्स्ट्रा सिलेंडर लगा सकते हैं जहाँ भी स्पेस अवेलेबल है, आपकी रेंज एक्सटेंड हो जाएगी 450 किलोमीटर. आपको बार बार रुकना नहीं पड़ेगा CNG भराने के लिए, आपको लंबे लाइन में खड़े होने नहीं पड़ेगा. इनफैक्ट जो स्टेशन में लाइन है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये कस्टमर एक बारी में जाएगा, वो ज़्यादा गैस भरा के निकल जाएगा, वो अपने काम पे निकल जाएगा. जो हमारी बसेस हैं, जो CNG बसेस हैं, आज सिटी में ही रिस्ट्रिक्टेड है, इंटर स्टेट में उतना सक्सेस नहीं हुआ है. ये CNG बसेस वी कैन ईजिली कन्वर्ट टू अ रेंज ऑफ 600-650 किलोमीटर्स यूजिंग टाइप 4 CNG सिलेंडर्स. एंड फॉर व्हीकल्स वेयर देयर इज स्पेस, वेयर द RTO परमिट्स फॉर फिटमेंट ऑफ 2 सिलेंडर्स, द पर्सनल व्हीकल ऑल्सो कैन बी फिटेड विद 2 सिलेंडर्स, टैक्सीज कैन बी फिटेड विद 2 सिलेंडर्स एंड दे कैन गेट अ बेटर रेंज. तो उससे क्या होगा, उनका बार बार चक्कर नहीं लगेगा स्टेशन में, कस्टमर को एयरपोर्ट ले जा रहे हैं बीच में, सर गैस भरा लो, ये सारी चीज़ें हम एलिमिनेट कर देंगे. उस हिसाब से फिर आपका गैस बेस्ड इकोनॉमी इजीली प्रमोट हो जाएगा एंड वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्टेज विच इज हाइड्रोजन इकोनॉमी.
सर सेफ्टी वाइज क्या है, सेफ्टी के लिए तुम क्या कर सकते हो? कार्बन फाइबर आपको पता ही है बुलेट प्रूफ में यूज होता है, इसके ऊपर 22 टेस्ट किए जाते हैं, ISO स्टैंडर्ड के हिसाब से सर्टिफाई होता है, फिर पेसो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अप्रूव करता है। इसमें आग नहीं पकड़ता है, इसमें अगर कोई इंसिडेंट होता है तो वो आपका स्टील सिलेंडर की तरह शैटर टुकड़े टुकड़े नहीं होगा, ये थोड़ा सा गैस रिलीज कर देगा। CNG गैस वी नो इट इज नॉट ईजी टू कैच फायर, अनलाइक सम अदर गैसेस इट टेक्स टाइम, तो वो इजीली गैस को एस्केप करेगा, आपको एक्सीडेंट में फायर वगैरह प्रिवेंट करेगा। तो सेफ्टी में इट इज मच मोर बेटर कार्बन फाइबर्स, द टेंसाइल स्ट्रेंथ इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन ऑल मैन्युअल मटेरियल्स, देयरफॉर अगेन इट इज सेफर। प्लस इट इज अ इनर्ट लाइनर, जो HDPE का लाइनर है वो रिएक्ट नहीं करता, आपका गैस में कोई इम्प्योरिटी है, मॉइस्चर है, जैसे हम बायोगैस की तरफ जा रहे हैं तो बायोगैस मेजर कॉम्पोजिशन इज मीथेन, बट देर इज ऑल्सो लार्ज पार्ट ऑफ मॉइस्चर, थोड़ा नमी रहता है उस गैस में, वो नमी लोहे के सिलेंडर को धीरे धीरे जंग खा के वो वीक कर देता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 20 साल का लाइफ है, कुछ भी हो सकता है। बस इसमें क्योंकि इनर्ट है तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, इसको कभी कोई डैमेज नहीं होगा अंदर से, ये सेफ रहेगा। सो इंडिया जो है अभी सबसे बड़ा मार्केट है, तो आपको लगता है कि इसका जो फायदा है वो कॉन्फिडेंस ग्रुप को भी मिलेगा, जो कि बाहर से भारत के देश से आके जो कोलैबोरेट करना चाहते हैं कॉन्फिडेंस ग्रुप से? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और जैसे मैंने कहा, जॉय ने कहा कि नया हाईटेक सिलेंडर्स है, पीपल वॉन्ट्स, आज नई नई चीज़, हम मोबाइल हर टाइम नया लेने की कोशिश क्यों करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए कि एक अच्छी अच्छी क्वालिटी का, जहाँ हम अच्छे, तो सेम यही टेक्नोलॉजी हम लोग ने सोचा कि क्यों ना हम कॉन्फिडेंस ग्रुप को, तो डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में जो हम आज जो टर्नओवर पे खड़े हैं, आने वाले 20 साल के अंदर हम लोग 10,000 करोड़ की क्रॉस करने की। सर लोग कब तक इसका फायदा उठा सकेंगे, आम लोग या जो जो गाड़ी चलाते हैं? 15 अगस्त को हमारा ये प्रोडक्शन आ जाएगा, यूनिट्स ऑलरेडी सेड और इंफ्रास्ट्रक्चर सब बन चुका है, काफ़ी मशीनरी आना शुरू भी हो गई है, 15 अगस्त को कमर्शियल प्रोडक्शन हमारा, 15 अगस्त 2024 को कमर्शियल प्रोडक्शन आ जाएगा। सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं तो यही कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट के और हाइड्रोजन इकोनॉमी के लिए इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, वी विद नितिन खारा जी आर गोइंग अहेड विद द सेम प्लेटफॉर्म एंड सेम विजन, सो लेट्स होप फॉर अ ग्रीनर इकोनॉमी एंड बेटर इंडिया गोइंग फॉरवर्ड। थैंक यू सर।